तो पहली बार जब मैं गुलदार साहब के पास गया तो उन्होंने पूछा कि फिल्म का नाम क्या, तो मैंने बोला मटरों की बिजली का मंडोला। सर क्या 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 मटरों की बिजली का मंडोला? देन ही गिव मी द लाइन इमीडिएटली कि पहले वो बोला फिर मैं बोला मटरों की बिजली का मंडोला। हमारा नाम से हुकुम सिंह मटरू, PA LLB, गांव मंडोला हरियाणा, और ये है हमारे गांव की इज्जत, जमींदार हरभूल सिंह मंडोला की इकलौती बावरी छोरी बिजली मंडोला। मैं स्क्रिप्ट कर रहा था तो हम लोग हरियाणा में घूम रहे थे, तो हरियाणा में मुझे एक दुकान का नाम देखा मैंने, उसमें उस मालिक का नाम मटरू था, तो मुझे कैरेक्टर का नाम ढूंढना था, तो मुझे बड़ा मजा आया कि मटरू तो बड़ा अच्छा नाम है। फिर गांव एक मंडोला है हरियाणा में जिसका नाम, उस गांव का नाम मंडोला है, तो एक कहानी हमको उस गांव में प्लेस करनी थी, तो हमने मंडोला गांव में प्लेस की, और लड़की का नाम मुझे लगता था कि बिजली बहुत ही ज्यादा, अगर मेरी लड़की होती तो मैं उसका नाम बिजली रखता, तो मुझे लगा कि बिजली बड़ा अच्छा नाम है, कोई रखता ही नहीं, तो हम अपने हीरोइन का नाम बिजली रखेंगे। दिस इज हाउ दिस केम कि मटरू के बिजली का मंडोला। और ये टाइटल को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन रहा हमारी यूनिट के बीच में भी, क्योंकि कुछ बोलते थे बहुत लंबा टाइटल है, कुछ लोग बोलते थे कि समझ में नहीं आएगा, टंग ट्विस्टर है, बीच में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने फिल्म का नाम चेंज करने की कोशिश की। इनफैक्ट जावेद अख्तर साहब, उनका कहना था जब उन्होंने सुना कि ये कोई टाइटल है होता है फिल्म का, ऐसी कोई टाइटल, ये कोई ऐसे कोई फिल्म का नाम रखता है मटरू की बिजली, ये कोई नाम है? तो मैंने कहा अच्छा जावेद साहब, जो जावेद साहब को हम सब बहुत मानते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए छोटा सा कोई नाम ढूंढ लेते हैं, तो ढूंढा एक नाम, खामा खान नाम रख लेते हैं फिल्म का। तो उन्होंने बोला हाँ ये कुछ बात लगती है। फिर उन्होंने 10 दिन के बाद मुझे फोन किया कि आपने वो नाम अनाउंस तो नहीं किया अभी? मैंने कहा नहीं। बोले नहीं मुझे लग रहा है कि वो जो है वो आपका नाम मंत्र की तरह है, उसे बोलते रहो मटर की बिजली का मंडोला, मटर की बिजली का मंडोला, तो मंत्र की तरह चढ़ने रखता है, आप वही टाइटल रखिए। तो जावेद साहब की वजह से टाइटल मटरों की बिजली का मंडोला रह गया। नो इट्स नॉट बेस्ड ऑन ए प्ले, बट डेफिनेटली यू नो मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स इस तरह के देखे हरियाणा में जिस तरह से प्लेस किया, तो ओरिजिन पता नहीं कहाँ से हुआ इसका, पर मैंने बहुत सारे जो हरियाणा के दोस्त भी थे मेरे जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे मंडोले, जैसे जो शराबी कैरेक्टर है उस तरह के शराबी कैरेक्टर्स आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, और मटरू जैसे लोग मेरे साथ रहे हैं जो JNU में भी मैंने देखे हैं, और तो इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स जो जिन लोगों को मैंने एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में, जैसे दोस्तियां रही हैं, यारियां रही हैं, वो उन सबको लेके, और जैसे सिटी लाइट फिल्म में एक कैरेक्टर था, चैपलिन की एक फिल्म थी, उसमें शराबी का कैरेक्टर था, तो वहां से थोड़ा सा वो कैरेक्टर हमेशा मेरे साथ रहता था, तो उस तरीके से, बट द प्लॉट इज कम्प्लीटली ओरिजिनल। इस फिल्म में जो रोल प्ले किया मैंने काफी अलग है, बहुत सारे प्रेपरेशन किए हैं हमने, कुछ 2-2.5 महीने हम रिहर्सल प्रेपरेशन कर रहे थे। आप में से जो दिल्ली के रहने वाले हैं आपने जरूर NK शर्मा का नाम सुना होगा, एक्ट 1 थिएटर ग्रुप, उनके साथ काफी रिहर्सल प्रैक्टिस की हमने। वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन टू हेल्प मी अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड टू ब्रिंग द कैरेक्टर टू लाइफ। देखिए मैं हमेशा रिहर्सल्स में बहुत बिलीव करता हूँ, मेरा मानना है कि हम जितना ज्यादा रिहर्सल और प्रेपरेशन करें शूटिंग से पहले, परफॉर्मेंस और फिल्म इतनी अच्छी होगी। एंड ओवर हियर आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि विशाल जी आल्सो बिलीव्स द सेम थिंग, सो वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन इट। इमरान की एक इमेज मुझे नई, मुझे मटरू कैरेक्टर देखना था उसके अंदर, तो हमने शुरुआत वहां से की कि कैसे हम जब अब तक जैसे इमरान को देखते आए हैं उससे कैसे उसको अलग देखें। हम लोग एक्चुअली सारे एक्टर्स एक टेबल रीड करते थे, सब एक साथ बैठ के, जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म के हम सब बैठ के रीडिंग्स किया करते थे सर के साथ, एंड आई थिंक पढ़ के कैरेक्टर एंड विद सर्स असिस्टेंट सब कुछ निकल के आ जाते हैं। ऑल्सो आई थिंक ही एज अ डायरेक्टर ही नोज हिज कैरेक्टर सो वेल, बिकॉज हिज फिल्म्स एक्चुअली आर अ रिलेशनशिप बिटवीन लाइक सम कैरेक्टर्स एंड दे आर नॉट ऑर्डनरी, आई मीन दे आर ऑलवेज अ लिटिल हटके, अ लिटिल डिफरेंट, सो दैट मैटर वॉज प्रेजेंट फॉर मी इन द स्क्रिप्ट, एंड देन यू कैन ऑफ बिल्ड ऑन इट ऑन सेट एंड विद help of other actors. The most important thing I've learned from him is that whatever you do, you must do it with integrity. भाई जब बिजली ऐसी हो 1000 वोल्ट का झटका लग जाता है, मन कितना डोला, I'm not sure if there is a unit of measurement for that. बहुत अच्छा था इमरान के साथ, this is the first time हम एक फिल्म कर रहे हैं साथ, and interesting बात ये है कि
मैंने खुद नहीं सोचा था कि अगर हम लोग एक फिल्म साथ में करेंगे तो हम लोग ऐसे दिखेंगे, ऐसी टाइप की फिल्म करेंगे. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक इट्स अ फ्रेश पेयरिंग जो हमेशा ही खास लगती है. When I told him that I'm doing this role, he's saying, as I see it, there's only one thing you can do. Should go to Haryana and live there for 6 months. मैं तो पिछली फिल्म में भी कॉमेडी बनाने की कोशिश की थी, वो सब ठीक ठाक हो गई.